पेंडिंग को रो गाइस, मेरा नाम करण और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऑयल पेंटिंग को कैसे पैकिंग की जाती है। ऑयल पेंटिंग को पैकेजिंग करने के लिए चाहिए सीजर, टेप, ब्राउन टेप, ट्रांसपेरेंट टेप, प्लास, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, ये मैं खरीद के लाया था कल ही, और पेचकस प्लास, क्योंकि पेंटिंग को हमें स्टेचर से खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए आराम से जेंटली ऐसे करना है कि पेंटिंग ख़राब ना हो। देखा, ऐसे आराम से निकल जाता है। थोड़ा सा पुश करो और हिलाओ, पुश करो और हिलाओ, और ये, और अगर नहीं हो तो आपके पास एक प्लायर, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि ऐसे करके आराम से जेंटली। स्ट्रेचर कैसे बनाते हैं, स्ट्रेचर में कैसे कैनवस लगाते हैं, देखिए जेंटली। अब ये ऐसे करके खोल लीजिए तो आपकी पेंटिंग आराम से दिखेगी, अच्छी भी लगेगी खोल के। ये नहीं कि ऐसे इसी को पकड़ के खींच लिया तो ये कैनवस फटने का चांसेस होता है। देखो, मैं स्ट्रेचर में हमेशा सॉफ्ट मारता हूँ ताकि पेज का अंदर घुस पाए आराम से। निकल चुका है स्टेचर बाहर, कैनवस स्टेचर को रखिए साइड में। हाँ जी, और ये है पेंटिंग। और पेंटिंग को जब भी कुछ करो तो नीचे एक जमीन में अच्छा सा साफ साफ फिर से क्लीन करना है, क्योंकि जितनी बारी आप क्लीन करो पेंटिंग को रोल करने के लिए, गर्मी भी बहुत लगती है तो इसलिए पसीना पहुँचने के लिए एक टॉवल रख लीजिए, सॉरी गमछा रख लीजिए, और पसीना पहुँचते रहिए और ऐसे करके निकल जाएगा काम आपका और निकल गई पेंटिंग। ये गाइस, हमें पॉलीथीन का पेपर लेना है, पहले पेंटिंग को कवर करना है और इसको प्रॉपर साइज़ में काट लेना है, और ऑयल पेंटिंग को प्रॉपर इसलिए कवर किया जाता है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में ताकि इसमें डस्ट और ऑयल चिपके तो इसी में रखे। तो ये है हमारा सेकंड प्रोसेस। फर्स्ट ऑयल पेंटिंग को मैंने डस्ट क्लीन किया, सेकंड उसके ऊपर ये पेपर चलेगा, और अब इसके बाद ये होएगा रोल। तो रोल मैं दिखाऊंगा रोल का प्रोसेस। ये देखिए, पूरा मिला दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाए तो बेटर है क्योंकि पेंटिंग ख़राब नहीं होती ऐसे में। एंड देन हमें क्या करना है, एक सॉफ्ट हैंड से रोल को थोड़ा सा घुमाना है, कोई डस्ट वस्ट ना रहे इसमें, और प्लेन करके नीट एंड क्लीन एक पलटी करवा देंगे। ये इसलिए किया होता है, ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा है ऐसा रहेगा, और उसके बाद क्या है कि रोल होने में ये इजी रहता है। थोड़ा सा पुल इन कर दो, थोड़ा सा ऐसे टाइट टाइट टाइट, एंड एक कपड़ा अपने हाथ में ज़रूर रख लें ताकि इसको और इसको साफ, थोड़ा इसको और इसको, और सेम प्रोसेस आप स्लोली स्लोली करते जाओ और क्लीन करते जाओ। क्लीनिंग में क्या है कि अच्छा रोल बन जाएगा आपका ऐसे। और ये देखिए, एक्स्ट्रा जो बोला था मैंने वो इसीलिए कि ये जो एक्स्ट्रा रह जाता है ये इसको सपोर्टिंग के काम आ जाता है दोनों साइड से। एंड देन कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए आप, क्लीन क्लीन, इसमें भी क्लीन एंड क्लीन। जैसे जैसे आपको डस्ट दिखे, माइट बी आपके जब आप कर रहे हो आपका एरिया क्लीन हो, मेरा भी क्लीन है, पर मैं चाहता हूँ जितना सेफ और नीट एंड क्लीन हो उतना अच्छा रहता है ये। और ये लॉन्ग प्रोसेस के लिए पैक होएगी पेंटिंग, तो आपको डस्ट या कोई ऐसे फंगस, कीड़ा, कोई चीज़ें कुछ जो हार्म करे या बेचारे कुछ ख़राब ना हो जाए। ये देखो, देख रहे हो ना, छोटे छोटे डस्ट आ रहा है,
बट हम क्लीन कर रहे हैं, हमारा बेस्ट यही है। एंड देन रोल क्लीन, रोल क्लीन क्लीन। ये देखिए जैसे ये छोटे बाल कुछ डस्ट वस्ट, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ आँख से दिखते हैं तो हो जाता है, कुछ नहीं दिखते हैं तो वो हो जाता है। आफ्टर दैट ये देखिए पेंटिंग हमारी हो चुकी है फाइनली पैक। फाइनली नहीं, ये रोल हो चुका है अभी पैक। ऐसे करके एक्स्ट्रा छोड़ने का यही मकसद होता है कि ऐसे करके ये थोड़ा बहुत। गाइस आप देखिए, जब रोल भी कर लिया था, पेपर भी लगा लिया था, उसके बावजूद अभी मॉनसून का वेदर है और उसमें हमें फिर से एक बबल रैप करना है। और बबल रैप कैसे होता है ये देखिए, ऐसे ऐसे करके। और बबल रैप के बाद आपकी फाइनल पेंटिंग फाइनल डन हो चुकी है। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और थंब बटन को दबाना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर लिखना, कमेंट से हौसला बढ़ता है। टेक केयर।